हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, डेट इज कोन ऑन बोथ साइड्स ऑफ सिलेंडर, कोन ऑन बोथ साइड्स ऑफ सिलेंडर। सो दिस इज सिलेंडर, इसके दोनों साइड पे अगर एक कोन अटैच्ड है, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन विल बी सेम आर, हाइट ऑफ द सिलेंडर लेट इट बी एच वन एंड हाइट ऑफ द कोन इज एच टू, एच टू। राइट डाउन, आर इज रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर। H1 is height of cylinder and H2 height of cone. अब अगर मुझे इनका total surface area find करना है, क्या होगा? Curved surface area of cylinder plus, दोनों तरफ cone है तो 2 times curved surface area of cone. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, हाइट इज एच वन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, वेयर एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर और कोन की हाइट एच टू है तो आर स्क्वायर प्लस एच टू स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। नाउ अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? सेम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स। राइट डाउन, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों तरफ कोन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। So this is the total surface area and volume in the case when both ends of cylinder are conical. Next discuss karenge cylinder with hemispherical ends. Cylinder with hemispherical ends. एक सिलेंडर है और उसके जो दोनों एंड्स हैं वो हेमिस्फीयर है। रेडियस जो सिलेंडर का होगा वही हेमिस्फीयर का होगा, हेमिस्फीयर के केस में हाइट नहीं होगी सो सिलेंडर की हाइट होगी। आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, बट 2 टाइम्स है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया इन दिस केस। नाउ वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल है तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम इन दिस केस, क्लियर? नाउ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर ऑन क्यूब। हेमिस्फीयर ऑन क्यूब, ये हमारे पास क्यूब है
के क्यू के ऊपर एक हेमिस्फीयर है तो उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा. लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन. क्यूब है उसकी तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी. अगर हम इस केस में देखें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. लेट साइड ऑफ द क्यूब इज ए. लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल होती है क्यूब के केस में. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. जो इसका बेस है दोनों बार इंक्लूड हो जाएगा इसलिए हमने इसको माइनस किया. बेस जो है सर्कुलर है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr². सो टोटल सरफेस एरिया आया 6a² प्लस πr². अगर वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम क्या होगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. क्यूब के केस में साइड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2π3πr³. सो दिस इज द वॉल्यूम. नाउ नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज हेमिस्फेरिकल कैविटी इन सिलेंडर. हेमिस्फेरिकल कैविटी इन सिलेंडर. हेमिस्फेरिकल कैविटी इन सिलेंडर. अगर हमारे पास सिलेंडर है और इसमें कोई हेमिस्फेरिकल कैविटी है तो इस केस में टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होगा. टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. अगर इसका रेडियस है आर और सिलेंडर की हाइट है एच तो इस केस में प्लस एरिया ऑफ बेस जो बॉटम बेस है उसका एरिया भी होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज 2πrh प्लस 3πr². जब हमने कैविटी करनी है मतलब किसी भी सॉलिड में कोई कैविटी की गई है जब पोर्शन रिमूव किया गया है तब उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओनली कैविटी के केस में जो वॉल्यूम है वो माइनस होगा. अदरवाइज आप देखो हमने सब में प्लस किया है. तो इसमें क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर में से कैविटी की गई है हेमिस्फेरिकल सो माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. क्लियर. जब भी हम कुछ पोर्शन रिमूव करेंगे तो उस सॉलिड की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज को होल्ड करने की वो कम होगी इसलिए वॉल्यूम के केस में हम माइनस कर रहे हैं. लेकिन एरिया जो वो पोर्शन है उतना ही लेगा चाहे आप उसमें से कैविटी रिमूव करो जब कुछ भी तो इसलिए एरिया के केस में प्लस ही होगा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2π3πr³. नोटेड डाउन. क्लियर है ये सभी को. अब हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13. इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है.
important, very important and very very important. NCERT के according हमारे पास 4 exercise है, 13.1, 13.2, 13.3, 4 and then examples. उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज 1 3 6 7 8 एंड 9 दीस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 दीस आर इंपॉर्टेंट. और वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें 1 2 3 5 एंड 6 दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट. 13.3 की बात करें 3 7 8 and 9 these are important and very very important jo hai 1 2 4 5 and 6. 13.3 jo hai whole very important isko acche se karna hai. 13.4 mein this and very important are 1 3 4 and 5. Examples ki baat kare 1 2 3 and 6 these are very important, very very important. 8 10, 12 and 14. So these are very important examples. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, important question का meaning ये बिल्कुल नहीं है कि आप exam में सिर्फ यही questions करके जाओगे. आपको ये questions करने हैं, अच्छे से करने हैं, लेकिन उससे पहले at least 2 to 3 times NCERT with examples written में practice होनी चाहिए. तो रिटर्न में अगर आप NCERT को थॉरली कर लोगे विद एग्जांपल्स तो 90% जो एग्जाम है आपका NCERT में से ही आता है. तो आपको NCERT अच्छे से करनी है. उसके बाद अगर आपको एग्जाम में इन केस हॉलीडेज कम होती है तो उस दौरान सिर्फ आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से रिटर्न में कर सकते हो. लेकिन उससे पहले NCERT की रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. मैथ्स के एग्जाम में जितना आप रिटन में प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. रिटन में प्रैक्टिस एक दिन में या दो दिन में तो नहीं होगी, तो आपको उसे अच्छे से शुरू से ही रिटन में प्रैक्टिस करते चलो. एक बार दो बार अभी हॉलीडेज आ रही हैं, हॉलीडेज में एक बार थॉरली एनसीईआरटी आप रिटन में कर सकते हो ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो नोट इट डाउन.